नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा राजपूत स्वागत करती हूं आपका दुनिया के नंबर वन ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे डेली हॉरोस्कोप यानी दैनिक राशिफल की, और आपको बता दें कि यह राशिफल आपकी चंद्र राशि और लग्न दोनों पर प्रभावी होगा। यानी कि अगर आपका लग्न मेष राशि का है तब भी यह राशिफल आप पर लागू होगा, और अगर चंद्र मेष में है तब भी यह प्रभावी रहेगा। राशिफल की शुरुआत करने से पहले जो लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और पहली बार हमारे वीडियोस को देख रहे हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हमारे सभी वीडियोस के अपडेट आप तक समय से पहुंचे इसके लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। यह राशिफल 26 जून 2019 दिन बुधवार का है। राशिफल की शुरुआत करने से पहले चलिए डालते एक नज़र आज के पंचांग पर। आषाढ़ माह में कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है जो पूर्ण रात्रि तक रहेगा। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है जो प्रातः 5:37 तक रहेगा, उसके बाद रेवती नक्षत्र शुरू हो जाएगा। कर्ण की तरफ नजर डालें तो तैतल शाम को 5:05 तक रहेगा, उसके बाद गर है। योग की बात करें तो शोभन योग है जो रात को 11:48 तक रहेगा, उसके बाद अतिगंड योग शुरू हो जाएगा। अब अगर आज के दिन के शुभ समय जिसे हम अभिजीत मुहूर्त भी कहते हैं उसकी बात करें तो आज दोस्तों कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है, इसीलिए जो भी महत्वपूर्ण कार्य आज आप करने जा रहे थे उसे कल तक के लिए टाल दें। आज का राहु काल जिसे अशुभ समय माना जाता है उसकी बात करें तो आज दोपहर 12:23 से 2:08 तक अशुभ समय है। इस राहु काल में अशुभ समय में किसी भी शुभ काम को बिल्कुल ना करें, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा करना वर्जित होता है। दिशा शूल की बात करें तो आज वो उत्तर दिशा में है, तो यदि आप इस दिशा में आज यात्रा करने जा रहे थे तो इससे बचें और कोई भी शुभ कार्य इस दिशा की तरफ मुख रखकर बिल्कुल ना करें। यह तो हमने बात की पंचांग की, चलिए अब जानते हैं कि आज चंद्रमा की स्थिति क्या रहेगी। आज चंद्रदेव मीन राशि के रेवती नक्षत्र में रहेंगे जो कि बुध ग्रह का नक्षत्र है। ज्योतिष में बुध को दो राशियां दी गई हैं, मिथुन और कन्या, इसीलिए आज ये दोनों यानी कि तीनों ये दोनों राशियां और वो भी तीनों राशियां आज विशेष रूप से प्रभावी रहेंगी। और अब देखते हैं कि क्या प्रभाव पड़ेगा इसका हर राशि के जातकों पर। शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। मीन राशि आपके द्वादश भाव में आती है और इसीलिए चंद्रदेव जो हैं आज आपके इसी भाव को सक्रिय करेंगे, साथ साथ में रेवती का स्वामी बुध आपके तीसरे और छठे भाव को सक्रिय करके रखेंगे। 12वां भाव आपके लिए चिंता का, ज्यादा सोच विचार का भाव है, जबकि तीसरा भाव आपके विरोधियों की हार का, अपने किसी अधूरे कार्य को पूरा करने का भाव होता है। वहीं छठा भाव जो होता है आपके कन्फ्यूजन्स को दूर करने का यानी कि दुविधा को दूर करने का, अपने किसी के साथ सुलह करने का भाव होता है। ये तीनों भाव आज आपके लिए सक्रिय रहेंगे और इसी के अनुसार आज आपको कई सारे प्रभाव देखने को मिलेंगे। सबसे पहले अगर बात करें सेहत की तो सेहत की दृष्टि से आज का दिन शानदार रहने वाला है। आज आपकी सेहत में सुधार होगा और आप शारीरिक रूप से सेहतमंद रहेंगे। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए नए विचार फायदेमंद साबित होंगे। पारिवारिक जीवन में आज आपके स्वभाव को सराहा जाएगा। प्रेम जीवन में आपको आज अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा। विशेष रूप से आज आप जो थोक और खुदरा व्यापारी हैं उनके लिए उन्हें व्यापार में लाभ मिल सकता है। अगर आप किसी नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आज का दिन बेहद खास है। कामकाजी लोगों के लिए भी आज का दिन अच्छा बीतेगा। सेहत के लिहाज से दोस्तों दौड़ लगाने के अपने फायदे होते हैं, क्योंकि यह मुफ्त भी है और अच्छी एक्सरसाइज भी। इससे शरीर के साथ साथ आपका जो मस्तिष्क है वो भी तीव्र होता है, इसीलिए आज से ही दौड़ लगाएं। वैवाहिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आज आपको एहसास होगा कि आपकी शादीशुदा जिंदगी जो है इतनी अच्छी पहले कभी नहीं थी। बात करेंगे अब उपाय की। नीले कपड़े में 7 काली उड़द के दाने, 7 काली मिर्च, 1 कच्चा कोयला किसी भी सुनसान जगह पर दबा दें, आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। आज आपके लिए शुभ अंक है 6। शुभ रंग है आपके लिए पारदर्शी और गुलाबी। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3 स्टार। अब बात करेंगे हम वृषभ राशि की। मीन राशि आपके 11वें भाव में आती है और इसीलिए चंद्रदेव आज आपके इसी भाव को सक्रिय करेंगे, साथ साथ में रेवती का स्वामी बुध आपके दूसरे और पांचवें भाव को सक्रिय करके रखेंगे। 11वां भाव आपके उन्नति का, कोई नया शुभ समाचार मिलने का और कहीं गाड़ी या घर के लिए लोन अप्रूव होने का भाव होता है, जबकि दूसरा भाव जो होता है आपके परिवार का, बच्चे के कार्यों का और मेडिटेशन का भाव होता है। वहीं 5वां भाव आपके दृढ़ संकल्प का, नए किसी खोज का और मनोरंजन का भाव होता है। तीनों भाव आज आपके लिए सक्रिय रहेंगे और इसी के अनुसार आज आपको पूरे दिन में प्रभाव देखने को मिलेंगे। शुरुआत करें अगर सेहत के साथ तो दोस्तों आज आपका जो स्वास्थ्य है वो बेहतरीन रहेगा, जिस वजह से आज आप में सक्रियता देखी जा सकती है। आर्थिक जीवन की बात करें तो आज आपका जो रुका हुआ धन है वो आ सकता है वापस आपके पास,
विदेशी स्रोत से भी धन आने की संभावना दिख रही है, यानी आज आपको आर्थिक मोर्चे में सफल परिणाम मिलने के प्रबल संकेत दिखाई दे रहे हैं। पारिवारिक जीवन में आज उत्सव का माहौल रहेगा। परिवार का कोई सदस्य जो है वो आज सबके लिए खुशियों का कारक बनेगा। हालांकि माँ के स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा ध्यान दें, कोई लंबी बीमारी जो है उन्हें आज परेशान कर सकती है। आपकी काबिलियत के कायल आपके पिता भी, आज इस बात का एहसास आपको बरबस ही होगा। वहीं प्रेम जीवन के लिए आज का दिन खास रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में आपके सहकर्मियों का सहयोग और वरिष्ठ कर्मचारियों से मिलने वाला फेवर आपको गजब का उत्साह देगा, जिससे आप हर काम को और भी बढ़िया तरीके से कर पाएंगे। दाम्पत्य जीवन में खुशियां बनी रहेंगी। आज आपके अपने जीवन साथी को आप कोई खुशखबरी सुना सकते हैं। उपाय की बात करते हैं। बढ़िया बरगद के पेड़ को मीठे दूध से सींचे, इससे नौकरी और बिजनेस में तरक्की होगी। आज आपका शुभ अंक है 5। शुभ रंग है आपके लिए हरा और फिरोजी। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करेंगे मिथुन राशि की। मीन राशि आपके 10वें भाव में आती है और इसीलिए चंद्रदेव आज आपके इसी भाव को सक्रिय करेंगे। साथ साथ में रेवती का स्वामी बुध आपके पहले और चौथे भाव को सक्रिय करके रखेंगे। 10वां भाव आपके इन लॉज का और आपके पिता की नौकरी की तरक्की का भाव है, जबकि पहला भाव आपके खुद का, अपनी समझ का और अपने तरीके का भाव है। वहीं चौथा भाव जो है आपके वाहन का, घर का और अपने सुख समृद्धि का भाव होता है। ये तीनों भाव आज आपके लिए सक्रिय रहेंगे और इसी की वजह से आज आपको कई प्रभाव देखने को मिलेंगे। आज आपकी सेहत जो है थोड़ी नाजुक रह सकती है, लेकिन आपको आराम करने और करीबी दोस्तों व परिवार के साथ खूब खुशी के कुछ पल बिताने से अच्छा महसूस होगा। आज आपके लिए आर्थिक रूप से खासा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है यह दिन, क्योंकि लंबे समय से जो अटके आपके मुआवजे थे, कर्ज था, उससे आपको छुटकारा मिलेगा। शेयर मार्केट और गोल्ड आभूषणों में किया गया निवेश आपके लिए आज लाभदायक रहेगा। परिवार में आज सुकून भरा वातावरण रहेगा। प्रेम जीवन की बात करें तो आज प्रेम जीवन में जो प्यार मोहब्बत के नजरिए से जो आपका दिन रहेगा वो बेहतरीन है। आज आपको प्यार का मजा चखते रहने की जरूरत होगी। कार्य क्षेत्र में परिस्थितियां आपके अनुकूल नजर आ रही हैं। कारोबार से जुड़े जातकों को आज व्यापार में मुनाफा हो सकता है। आज दिन जो है अच्छा बीतेगा, लेकिन आज आपको किसी तरह की आंखों से संबंधी कोई दिक्कत महसूस हो सकती है। वैवाहिक जीवन में आपको आज अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। ये तमाम जानकारियां जो थी वो मिथुन राशि के जातकों के लिए थी। चलिए अब बात करते हैं कि आज के दिन पे क्या उपाय करने चाहिए मिथुन राशि के जातकों को। तांबे का कड़ा धारण करें, इससे स्वास्थ्य बना रहेगा। आज आपके लिए शुभ अंक है 4। शुभ रंग है आपके लिए भूरा और सलेटी। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करेंगे हम कर्क राशि की। मीन राशि आपके 9वें भाव में आती है और इसीलिए चंद्रदेव आज आपके इसी भाव को सक्रिय करेंगे। साथ साथ में रेवती का स्वामी बुध आपके 12वें और 3रे भाव को सक्रिय करके रखेंगे। 9वां भाव जो होता है पिता के विदेश यात्रा का, उनका किसी बड़ी चीज में निवेश का भाव है, जबकि 12वां भाव आपके बेड प्लेजर्स का, शादी के आगे मामले बढ़ने का भाव होता है। वहीं 3रा भाव आपके लोकल ट्रेवल्स का, नौकर का और रिश्तेदारों का भाव होता है। ये तीनों भाव आज आपके लिए सक्रिय रहेंगे और इसी के आधार पर, इसी की वजह से आज आपको प्रभाव देखने को मिलेंगे पूरे दिन में। शुरुआत करते हैं सेहत से। अपनी सेहत को दुरुस्त बनाए रखने के लिए दिन की शुरुआत जो है आज आप कसरत से करें तो बेहतर होगा। इससे आपके मन में सकारात्मक भाव पैदा होंगे। नियमित व्यायाम को अपनी दिनचर्या में जोड़ सकते हैं। जो लोग किसी भी बड़े प्रोजेक्ट में निवेश करने की योजना बना रहे थे, आज उनके लिए वक्त आ गया है। आज आपके द्वारा किसी रियल स्टेट में निवेश करना बेहद शुभ रहेगा। हालांकि कोशिश करें कि इस दौरान आप अपनों की सलाह जरूर लें और हर दस्तावेज को सही से पढ़कर ही उस पर दस्तखत करें, क्योंकि आज आप जो भी निवेश करेंगे वो आपको भविष्य में तो लाभ देगा ही, बल्कि बुरे वक्त में भी आपको सुरक्षित रखने में मदद करेगा। पारिवारिक जीवन आज ठीक ठाक रहेगा। आज आपको अपने परिवार, माता पिता और अपने जीवन साथी को अपने आर्थिक हालातों से रूबरू कराने की जरूरत होगी। अगर आपको किसी तरह की कोई चीज पिछले दिनों से परेशान कर रही थी, तो आज आपको अपनी उस परेशानी के बारे में अपने पिता से बात करनी चाहिए, क्योंकि संभव है कि उनकी मदद जो है आपको न केवल उस परेशानी से निकालने में मदद करेगी, बल्कि आप अपने साथ किसी अपने को खड़ा देखकर उत्साहित भी होंगे। इस राशि के वो लोग जो प्रेम संबंधों में पड़े हैं, उन्हें अपने संगी पर उंगली उठाने से पहले खुद के बारे में भी सोचना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आप दूसरों की कमियां निकालते निकालते खुद में भी कई कमियां ले आते हैं। अपने साथी के अच्छे पक्षों को देखने की कोशिश करें, उनकी तारीफ करें, इससे आपके रिश्ते में तरोताजगी आएगी।
कारोबारी लोग आज अपने धन को बचाने के कई प्लान बनाएंगे। अगर आप साझेदारी में बिजनेस कर रहे हैं तो अपने साझेदार के साथ आज आपकी बहस हो सकती है, इसीलिए जितना हो सके आज खुद पर काबू रखने की कोशिश करें। नौकरी पेशा से जुड़े लोग कार्य क्षेत्र में आज उन्हें अच्छे फल मिलेंगे। आज आपका जो बॉस है आपके काम की तारीफ करेगा और साथ ही आपको अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी देगा। अगर आप उनकी आशाओं पर खरे उतरते हैं तो निकट भविष्य में आपका प्रमोशन भी हो सकता है। आज आप दोनों घर पर अपने पुराने दोस्तों के साथ एक पार्टी का आयोजन भी कर सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप दोनों के बीच कुछ चीजों को लेकर मतभेद उत्पन्न होने की स्थिति बन रही है, लिहाजा यदि आप मतभेदों को किनारा कर दें तो आज जो आपका प्रेम जीवन है वो अच्छा बीतेगा। वैवाहिक जीवन को लेकर जो लोग पिछले कई दिनों से तनाव महसूस कर रहे थे उन्हें आज इस तनाव को दूर करने की पहल खुद करनी होगी। इसके लिए आप अपने साथी को कहीं बाहर खाने पर लेकर जाएंगे और इसी दौरान मौका पाते ही अपनी बातें कोमलता के साथ उन्हें समझाएंगे। देखिएगा, ऐसा करने से आपका साथी जो है बेहद आसानी से आपकी भावनाओं को समझ सकेगा। यदि आपके जीवन की गाड़ी सामान्य गति से नहीं चल रही है तो आपको उसमें कुछ बदलाव या फिर सुधार करने की जरूरत है। किसी भी नए कार्य को करने में रुचि दिखाएं, लेकिन मन में यह भावना रखें कि वह चीज सही होगी या गलत। हाँ, अगर कुछ गलत होता है तो उस गलती से सीख लें और उसे भविष्य में दोबारा ना दोहराएं। इस राशि के जातक जो हैं वो बुद्धिमान और ज्ञानी होते हैं। आज आप अपने ज्ञान के भंडार में वृद्धि करेंगे और अपने बौद्धिक शक्ति से दूसरों को प्रभावित करेंगे। उपाय की बात करें, तुलसी के पौधे पर शाम को एक दिया जलाएं, इससे लव लाइफ अच्छी चलेगी, बढ़िया चलेगी। आज आपके लिए शुभ अंक है 7, शुभ रंग है आपके लिए क्रीम और सफेद। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। अब बात करेंगे हम सिंह राशि की। मीन राशि आपके 8वें भाव में आती है और इसीलिए चंद्रदेव आज आपके इसी भाव को सक्रिय करेंगे। साथ साथ में रेवती का स्वामी बुध आपके 11वें और दूसरे भाव को सक्रिय करके रखेंगे। 8वां भाव आपके लिए रिसर्च का यानी खोज का, किसी घातक बीमारी से उभरने का भाव होता है, जबकि 11वां भाव आपके लोकल शॉपिंग्स का, फैमिली के साथ मनोरंजन की जगह पर जाने का भाव होता है। वहीं दूसरा भाव आपके चेहरे का, आपकी सेविंग्स का और आपके परिवार में खुशियों का भाव होता है। ये तीनों भाव आज आपके लिए सक्रिय रहेंगे और इसी की वजह से आज आपको कई सारे प्रभाव देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बात करेंगे स्वास्थ्य की। हेल्थ के लिहाज से देखा जाए तो आज आपको कुछ परेशानियों से दो चार होना पड़ सकता है। कोई पुरानी बीमारी या कोई पुराना दर्द आज उभर कर सामने आ सकता है। धन के निवेश के मामले में भी आज का दिन अनुकूल दिखाई दे रहा है। परिवार वालों का हंसी मजाक भरा बर्ताव और व्यवहार आपके मन को प्रसन्न कर देगा और घर का जो वातावरण है उसको हल्का फुल्का और खुशनुमा बना रखेगा। पारिवारिक जीवन में आज सफलता पाने के लिए आपको प्रयास जो है जारी रखने की जरूरत है। जितना हो घर के बड़ों के साथ आज वक्त बिताएं और यदि घर में कोई परेशानी चल रही है तो उसकी सलाह लें, उनके बड़ों की सलाह लें और उसे दूर करने की कोशिश करें उस परेशानी को। बात करें अगर प्रेम जीवन की तो आज प्रेम के लिहाज से आपका दिन जो है वो निराशाजनक बीत सकता है। आज आप अपनी प्रेमी से बिछोह की आग में जलते रहेंगे, लेकिन दिन के अंत में आपकी मुलाकात उनसे कुछ वक्त के लिए जरूर होगी। इस राशि के वो कारोबारी जो साझेदारी में व्यवसाय कर रहे हैं आज उन्हें अपने साझेदारों की वजह से मुनाफा हो सकता है। जो कारोबारी अपने दम पर कारोबार संभाल रहे हैं उन्हें आज किसी भी प्रकार के लेन देन से पहले अनुभवी लोगों की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। नौकरी पेशा से जुड़े इस राशि के जातक अपनी भावनाओं पर आज कंट्रोल रखें। विपरीत लिंगी कर्मचारियों से आज दूर रहने की कोशिश करें, नहीं तो बेवजह बदनाम हो सकते हैं। जितना हो सके अपने काम से काम रखें। आज का दिन उन कामों को करने के लिए बेहद खास है जिन्हें करने में आपको खुशी महसूस होती है। कहने का मतलब ये है कि आज आप कुछ वक्त अपने लिए निकालें और खुद का पसंदीदा काम करने में वक्त गुजारें। वैवाहिक जीवन में आज का दिन जीवन साथी पर किया गया कोई संदेह डाउट आने वाले दिनों में आपके वैवाहिक जीवन पर बुरा प्रभाव डाल सकता है, लिहाजा जीवन साथी पर बिना वजह शक न करें और आप भी उनके विश्वास को बनाए रखें। इससे आपका रिश्ता जो है और भी मजबूत होगा। संतान की पढ़ाई लिखाई को लेकर आज आप थोड़े चिंतित दिखाई दे सकते हैं। यदि आप किसी से भी क्रोधित हैं तो अभी कोई निर्णय ना लें और कुछ समय के लिए ठहर जाए। उपाय की बात करें, 9 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को भोजन कराएं, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आज आपके लिए शुभ अंक है 5, शुभ रंग है आपके लिए हरा और फिरोजी। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करेंगे हम कन्या राशि की। मीन राशि आपके 7वें भाव में आती है और इसीलिए चंद्रदेव आज आपके इसी भाव को सक्रिय करेंगे। साथ साथ में रेवती का स्वामी बुध आपके 10वें और पहले भाव को सक्रिय करके रखेंगे। 7वां भाव आपके पार्टनर की इच्छाओं का,
उसके स्वभाव का और आपकी तरक्की का भाव है, जबकि दसवां भाव आपकी नौकरी, आपकी रुके हुए धन या प्रमोशन का भाव होता है। वहीं पहला भाव जो होता है वो आपके लिए स्टेटस का, किसी परीक्षा में पास होने का और किसी बिछड़े इंसान से मिलने का भाव होता है। ये तीनों भाव आज आपके लिए सक्रिय रहेंगे और इसी की वजह से आज आपको कई प्रभाव देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सेहत की। जीवन में आज आपको मिले जुले परिणाम जो है मिल सकते हैं। बेहतर जिंदगी को के लिए आज आपको अपनी सेहत और व्यक्तित्व में सुधार लाने की जरूरत है। आर्थिक क्षेत्र में आज आपको धन लाभ के संकेत दिखाई दे रहे हैं। पैतृक संपत्ति में वृद्धि होने के योग भी दिखाई दे रहे हैं। आज के दिन धन की बचत करने की कोशिश करें, इससे आपको भविष्य में लाभ होगा। विदेश से आय प्राप्ति के भी योग मिल रहे हैं। आर्थिक क्षेत्र की योजनाएं सफल हो सकती हैं। पैसा अचानक आज आपके पास आ सकता है जो आपके बढ़े हुए खर्चों और बिल आदि को संभाल लेगा। पारिवारिक जीवन में सुख शांति का वातावरण रहेगा। आज आप अपना अधिकांश समय अपने परिजनों के साथ बिता सकते हैं। ऐसा भी संभव है कि आप उनके साथ किसी रिश्तेदार के यहाँ जा सकते हैं। घर में बच्चों के साथ समय बिताने का से आपको आनंद की अनुभूति होगी। आज आप किसी ऐसे इंसान से भी मिल सकते हैं जो आपके दिल को गहराइयों से छुएगा और आपके दिल की घंटी बज उठेगी। यानी कि संभावना है कि आज आपकी लाइफ में कोई नया प्यार करने वाला व्यक्ति दस्तक दे। यदि आप पहले से ही किसी से प्रेम करते हैं तो आज उनसे अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं। मुमकिन है आज आपको जवाब जो है हाँ में मिले। इसके विपरीत यदि आप पहले से ही किसी प्रेम संबंध में हैं तो आज का दिन जो है आपके लिए शानदार दिनों में से एक रहेगा और आपको अपने प्रियतम की बाहों में बाहें डालकर घूमने का मौका मिल सकता है। आप अपने सुखद भविष्य के सपने सजाएंगे और दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे। कार्य क्षेत्र में आज आपकी बल्ले बल्ले होगी। आप जिस काम में भी हाथ डालेंगे उसी में सफलता आपके हाथ लगेगी। सभी लोग आपकी तारीफ करेंगे और आप अपनी तारीफ सुनकर फूले नहीं समाएंगे। सभी के साथ अच्छा व्यवहार करें और अपनी तारीफ सुनकर अधीर न हो। एक बात का ध्यान रखें कि कोई समस्या आती है तो आपको उसका सामना करना चाहिए, ना कि उससे डरकर भागना चाहिए, क्योंकि यदि आप उससे डरकर भाग लेंगे तो वह आपका पीछा अवश्य करेगी और भविष्य में आपके लिए बड़ी चुनौती बनकर आपके सामने आ खड़ी होगी। इसीलिए समझदार बने और साहस के साथ हर चुनौती का सामना करें। आज आपकी बातें तीक्ष्ण और तार्किक रहेंगी। आज अपने बुद्धि कौशल से आप लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे। खुद को अपडेट रखने के लिए आज के दिन आप मैगजीन और अखबारों को गहराई से पढ़ सकते हैं। वैवाहिक जातकों को आज अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए थोड़ी मेहनत और करनी होगी। आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि आपका जीवन साथी आपके काफी उम्मीदें बांधे हुए है, जिसे वो बोलकर या मांगकर पूरा नहीं कर सकता, और उनकी इसी उम्मीद को आज आपको उन्हें समझते हुए पूरा करने की जरूरत होगी। आज कोई ऐसी घटना भी हो सकती है आपके जीवन में जिसके कारण आप झुंझलाहट में आ जाए या फिर खुद को फंसा हुआ महसूस करें। इसकी वजह होगी परिवार वाले अपनी शॉपिंग में बिजी रहेंगे और आप उनके साथ होने के कारण खिजते रहेंगे, लेकिन इसका भी एक अपना अलग मजा है। उपाय की बात करें, अपने इष्ट देव को पूजा में लाल सिंदूर अर्पित करें, हेल्थ लाइफ अच्छी रहेगी। शुभ अंक है आज आपके लिए 4, शुभ रंग है भूरा और सलेटी। भाग्यस्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करेंगे हम तुला राशि की। मीन राशि आपके छठे भाव में आती है और इसीलिए चंद्रदेव आज आपके इसी भाव को सक्रिय करेंगे। साथ साथ में रेवती का स्वामी बुध आपके 9वें और 12वें भाव को सक्रिय करके रखेंगे। छठा भाव अपने पार्टनर से अलगाव का या किसी भी तरह की मन मुटाव का भाव होता है, जबकि 9वां भाव जो होता है आपके गुड लक का, भविष्य का और अच्छे कर्मों का भाव होता है। वहीं 12वां भाव आपके लिए आपकी कामुकता का, आपकी नादानी का और आपकी बेबाक अंदाज का भाव होता है। ये तीनों भाव आज आपके लिए सक्रिय रहेंगे और इसी की वजह से आज आपको कई सारे प्रभाव देखने को मिलेंगे। सेहत से अगर शुरुआत करें तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन बेहतर रहेगा और इसीलिए आज आप खुद को शारीरिक रूप से फिट महसूस करेंगे। आर्थिक स्थिति पर नजर डालें तो आज के दिन होने वाली कोई छोटे बड़े खर्चे जो हैं आपको परेशान कर सकते हैं, इसीलिए आज जितना हो उतना बचत करने की कोशिश करें। साथ ही साथ आज जब भी आप कोई खरीदारी करें या पैसों का कोई छोटा बड़ा लेन देन करें तो थोड़ी सावधानी जरूर बरतें, अथवा कोशिश करें कि अगर आज इन्हें टाला जा सके तो आपके लिए अच्छा रहेगा। पारिवारिक जीवन के लिए आज दिन अच्छा है। आज आप सब परिवार किसी पार्टी में शिरकत कर सकते हैं या आज आप कुछ नए लोगों से मुलाकात कर सकते हैं। आज आपको एहसास होगा कि आपका जीवन साथी जो है किसी फरिश्ते से कम नहीं है और अपने जीवन साथी में को जिस अपने साथी की कल्पना की थी, आपका जीवन साथी लगभग वैसा ही है और उनके साथ रहते आपको किसी अन्य की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसी सोच के साथ आपका दाम्पत्य जीवन प्यार से भरा रहेगा। कारोबारियों के लिए दिन सामान्य रहेगा। आज भले ही आपको बहुत ज्यादा मुनाफा ना हो लेकिन आपको हानि भी नहीं होगी। किसी करीबी व्यक्ति की सलाह आज आपको कारोबार की कई परेशानियों को दूर करने में मदद कर सकती है।
नौकरी पेशा से जुड़े लोग आज कार्य क्षेत्र में खिले खिले रहेंगे। आज आपके चेहरे की मुस्कान कई लोगों को आकर्षित कर सकती है। आपके सीनियर्स भी आज आपके व्यवहार से खुश रहेंगे। जो लोग नौकरी की तलाश में लगे हैं उन्हें आज नौकरी मिल सकती है। आज किसी राजनीतिक सीरियल को देखकर आप अपने दिन को संवार सकते हैं। वैवाहिक दृष्टिकोण से आज जो है आप आनंद में रहेंगे। अपने दाम्पत्य जीवन को अधिक सुखमय बनाने के आपके प्रयास जो है उम्मीद से ज्यादा रंग लाएंगे और आपका जीवन साथी भी आपको खुश रखने में कोई कसर बाकी नहीं रखेगा। अगर आप दुनिया में अच्छाई फैलाते हैं तो आपको बदले में अच्छाई ही मिलती है और अगर आप बुरा करते हैं तो आपको बुराई ही मिलती है। कहने का मतलब बस इतना है कि आपका भविष्य आपके वर्तमान पर निर्भर है, इसीलिए आपको आज को अच्छा बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जिन कामों को करने से आज आप बच रहे हैं, जिन्हें आप अपने साथ नहीं होने देना चाहते, वो आप दूसरों के साथ भी ना करें। उपाय की बात करें, अपने सगे भाइयों के प्रति मन में मैल ना रखें और उन्हें अपशब्द ना कहें। आर्थिक स्थिति के लिए शुभ है, आज आपके लिए शुभ अंक है 6। शुभ रंग है आपके लिए पारदर्शी और गुलाबी। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3 स्टार। अब बात करेंगे हम वृश्चिक राशि की। मीन राशि आपके 5वें भाव में आती है और इसीलिए चंद्रदेव आज आपके इसी भाव को सक्रिय करेंगे। साथ साथ में रेवती का स्वामी बुध आपके 8वें और 11वें भाव को सक्रिय करके रखेंगे। 5वां भाव आपकी क्रिएटिविटी का, शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट का और किसी को उधार देने का भाव होता है, जबकि 8वां भाव जो होता है आपके लिए लोन्स का, किसी तरह की अचानक बीमारी का भाव होता है। वहीं 11वां भाव आपके परामर्श लेने की प्रवृत्ति का, आपकी बड़े भाई बहन के ससुराल पक्ष से संबंध का भाव होता है। ये तीनों भाव आज आपके लिए सक्रिय रहेंगे और इसी के अनुसार आज आपको कई सारे प्रभाव देखने को मिलेंगे। स्वास्थ्य जीवन से अगर शुरुआत करें तो स्वास्थ्य जीवन में सेहत में आपको आज अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। आज आपका मन शांत और सुकून भरा रह सकता है। आपके अंदर ऊर्जा का संचार होगा, इस ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। चाहे तो आज से आप योग और ध्यान लगाने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। आगे चलकर आपको इससे शारीरिक और मानसिक लाभ देखने को मिलेगा। आर्थिक मामलों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है। आज आपको धन की कमी का अनुभव हो सकता है। यदि आपके पास धन है तो आप किसी भी अनावश्यक चीज में वह आज खर्च कर सकते हैं। आपको ये बात आज समझने की जरूरत है कि धन बेवजह की चीजों में न खर्च करके जरूरत भरी चीजों में उसे खर्च करें। आज आर्थिक योजनाएं असफलता का रूप ले सकते हैं, इसीलिए सोच समझ कर कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। यदि आप शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं तो आज के दिन आपको ज्यादा रिस्क हो सकता है। पारिवारिक जीवन के लिए आज दिन बहुत अच्छा है। आज घर में सुख शांति का वातावरण देखने को मिल सकता है। आज परिजनों का सहयोग प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा घर में कोई खास मेहमान भी आज आ सकता है। कर्मकांड, हवन या पूजा पाठ आदि का आयोजन हो सकता है घर में। सेहत के लिहाज से दिन अनुकूल है। मानसिक दबाव के बावजूद भी आपकी सेहत जो है अच्छी रहेगी। किसी बड़े समूह में भागीदारी आपके लिए दिलचस्प साबित होगी, हालांकि जो आपके खर्चे हैं वह बढ़ सकते हैं। प्रेम जीवन की बात करें तो आज आपके पार्टनर की कोई बात आपके मन को खिन्न कर सकती है और पूरे दिन आपका जो मूड है खराब रह सकता है, लेकिन चिंता ना करें क्योंकि दिन के अंत में आपका साथी स्वयं आपकी सभी परेशानियों का हल निकाल देगा। कारोबारियों के लिए आज का दिन मानसिक दबाव से गुजरने वाला है, क्योंकि आज आप अपने काम कुछ ज्यादा ही गंभीरता से लेंगे। यह अच्छी बात है, लेकिन मानसिक तनाव को कम करने के लिए आपको ध्यान इत्यादि अवश्य करनी चाहिए, नहीं तो निकट भविष्य में आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है। नौकरी पेशा से जुड़े इस राशि के लोग आज समय की अहमियत को समझेंगे और हर काम को प्लानिंग के मुताबिक करने की कोशिश करेंगे। दिन के अंत में आपको अपने द्वारा किए गए काम की अहमियत का पता चलेगा और इससे आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। आज के दिन आपको अपने लिए समय निकालकर सोचना होगा और किसी भी प्रकार के तनाव या मानसिक परेशानी से दूर रहने की कोशिश करनी होगी। इसका सबसे बेहतर विकल्प यह है कि घर में अकेले ना रहें और अनेक लोगों के बीच में रहने की कोशिश करें, जिससे कि आपका ध्यान जो है वो बटा बटा रहे और आप किसी की बात को अधिक ना सोचें। यदि आप शादीशुदा हैं तो जीवन साथी के साथ आज किसी ऐसे मुद्दे पर बातचीत कर सकते हैं जिससे आपका जीवन उससे प्रभावित होता हो। आज के दिन हर एक लम्हे को जीने की कोशिश करें। यदि आप किसी प्रकार के तनाव से गुजर रहे हैं तो उसके बारे में अधिक विचार न करें। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में आज का दिन आपके पक्ष में रहने की ओर संकेत कर रहा है। अपने कागजात को संभाल कर रखें। उपाय की बात करें तो ओम बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का 11 बार उच्चारण करें। लव लाइफ अच्छी रहेगी। आज आपके लिए शुभ अंक है 8। शुभ रंग है आपके लिए काला और नीला। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। अब बात करेंगे हम धनु राशि की। मीन राशि आपके 4थे भाव में आती है और इसीलिए चंद्रदेव आज आपके इसी भाव को सक्रिय करेंगे। साथ साथ में रेवती का स्वामी बुध आपके 7वें और 10वें भाव को सक्रिय करके रखेंगे। 4था भाव आपके प्रॉपर्टी में निवेश का या फिर किसी वाहन की खरीद फरोख्त का भाव होता है, जबकि 7वां भाव आपके लिए आपकी आत्मिक शांति के का, आपके पार्टनर के साथ अच्छे संबंध का भाव होता है। वहीं 10वां भाव आपके पिता की अच्छी सेहत का, बड़े भाई बहन की लंबी यात्रा का भाव होता है। ये तीनों भाव आज आपके लिए सक्रिय रहेंगे और इसी की वजह से आज आपको कई प्रभाव देखने को मिलेंगे।
अब बात करें स्वास्थ्य की, तो आज किसी भी चीज का तनाव लेना आपके लिए मानसिक और शारीरिक दोनों रूपों से नुकसानदेह साबित हो सकता है। आज आपको धन अर्जित करने के अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। आपको जरूरत है तो सिर्फ इस मौके को पहचान कर उसका लाभ उठाने की। किसी विदेशी स्रोत से आज लाभ मिलने के पूरे आसार हैं। पैसों के पीछे भागने से ज्यादा अच्छा है कि आप अपने काम पर फोकस करें और अपनी मेहनत की कमाई अर्जित करें। आपने बड़े बुजुर्गों को ये कहते हुए तो जरूर सुना होगा कि खून पसीने की कमाई से अर्जित किया गया धन जो है ज्यादा समय के लिए टिकता है। पारिवारिक रूप से देखें तो आज आप अपने परिवार की भलाई के लिए जी तोड़ मेहनत करने से पीछे नहीं रहेंगे। परिवार के सदस्यों के लिए आपका प्यार और सुरक्षा की भावना आज आपको और भी ज्यादा उनके करीब लेकर आएगा। परिवार हर इंसान के अस्तित्व का अहम हिस्सा होता है, इसीलिए इसका ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी होती है। आज आपके पार्टनर आपसे अपने अथाह प्रेम का इजहार कर सकते हैं, जिससे आपका दिन जो है वो खुशनुमा व्यतीत होगा। साथ ही साथ यदि आप पार्टनर के साथ विवाह करने के इच्छुक हैं, तो आज का दिन इस बारे में माता पिता से बात करने के लिए उत्तम है। शाम के वक्त पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जा सकते हैं या फिर किसी के साथ रोमांटिक कोई फिल्म देख सकते हैं। कारोबारियों को आज मेरी सलाह है कि भागीदारी वाले व्यवसायों और चालाकी भरी आर्थिक योजनाओं में निवेश न करें। ऐसा करके आप खुद को किसी बड़ी परेशानी में डाल सकते हैं। नौकरी पेशा से जुड़े इस राशि के लोगों को आज दफ्तर जाने में थोड़ा आलस आ सकता है। आज आप खुद को बिस्तर से बाहर निकालने में असमर्थ महसूस करेंगे। हालांकि कार्य क्षेत्र में पहुंचकर आपकी सारी सुस्ती दूर हो जाएगी और आप तरोताजा महसूस करेंगे। आज का दिन आपके लिए उम्दा है और अपनी सूझबूझ से अपनी रचनात्मकता से इसे और बेहतरीन आप बना सकते हैं। वहीं विवाहित जातकों को दाम्पत्य जीवन में आनंद आएगा। आज जीवन साथी का साथ आपके नई ऊर्जा आपको प्रदान करेगा। उनकी ओर से आपको किसी प्रकार की खुशखबरी मिल सकती है। आज के दिन आपके और आपके जीवन साथी के लिए गहरी आत्मीयतापूर्ण बातें करने का सही समय है। समय को लेकर आज थोड़ा सचेत रहें। जिन कामों को आप कम समय में करने में समर्थ हैं, उनमें ज्यादा समय जाया ना करें। यह बात अच्छी तरह से समझ लें कि जो इंसान समय की कद्र नहीं करता, समय भी उसका साथ कभी नहीं देता। इसीलिए कामों को टालने या सुस्ती के साथ कामों को करने की आदत को अभी छोड़ दें। उपाय की बात करें तो इस राशि के जातकों को हम आज के दिन के लिए सलाह देंगे कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए शरीर पर किसी भी तरह का सोना या पीला धागा धारण करें। आज आपके लिए शुभ अंक है 5। शुभ रंग है आपके लिए हरा और फिरोजी। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बात करेंगे हम मकर राशि की। मीन राशि आपके तीसरे भाव में आती है और इसीलिए चंद्रदेव आज आपके इसी भाव को सक्रिय करेंगे। साथ साथ में रेवती का स्वामी बुध आपके छठे और नवे भाव को सक्रिय करके रखेंगे। तीसरा भाव आपके दोस्तों के साथ अनबन का और आपके कंधे से रिलेटेड कुछ हेल्थ प्रॉब्लम का भाव होता है, जबकि छठा भाव आपके लिए एग्जाम क्लियर करने का या सरकारी नौकरी के लिए एग्जाम देने का भाव होता है। वहीं नवा भाव आपके लिए अध्यात्म का, धर्म का, के लिए कुछ करने का भाव होता है। ये तीनों भाव आज आपके लिए सक्रिय रहने वाले हैं और इसी के अनुसार आज आपको कई सारे प्रभाव देखने को मिलेंगे। आपको अपनी सेहत का आज सबसे ज्यादा ख्याल रखने की सलाह देना चाहूंगी। खासतौर से जो महिलाएं गर्भवती हैं या अभी अभी मां बनी हैं, उन्हें आज खास ख्याल रखने की जरूरत है। ग्रह नक्षत्र के अनुसार आज आपका जो आर्थिक पक्ष है कमजोर दिखाई दे रहा है। अप्रत्याशित रूप से धन खर्चा हो सकता है। इसके अलावा परिवार की जरूरतों को लेकर भी आज धन खर्च हो सकता है। परिवार में आज सुख शांति का वातावरण रहेगा। परिजनों के साथ आज आप शॉपिंग आदि कर सकते हैं। कुछ लोगों को आज अपना जोड़ीदार मिल सकता है। वहीं जो लोग पहले से ही कहीं प्रेम संबंध में पड़े हुए हैं, उन्हें भी आज अपना संगी दुनिया का सबसे खूबसूरत शख्स लगेगा। आज के दिन आप कार्य क्षेत्र में खुद को बहुत ही खास महसूस करेंगे। आज का दिन कामों को करने के लिए बेहतरीन है, बेहद खास है, जिन्हें करने में आपको बेहद खुशी महसूस होती है, बहुत खुशी होती है आपको। वैवाहिक जीवन को मधुर बनाने के लिए आज आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं बाहर लंच या डिनर पर जा सकते हैं। रिश्तेदारों के यहाँ छोटी यात्रा आपके भागदौड़ भरे दिन में आराम और सुकून देने वाली साबित होगी। उपाय की बात करें, सफेद चंदन का तिलक लगाएं, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। शुभ अंक है आज आपके लिए 5। शुभ रंग है आपके लिए हरा और फिरोजी। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4.5 स्टार। अब बात करेंगे हम कुंभ राशि की। मीन राशि आपके दूसरे भाव में आती है और इसीलिए चंद्रदेव आज आपके इसी भाव को सक्रिय करेंगे। साथ साथ में रेवती का स्वामी बुध आपके 5वें और 8वें भाव को सक्रिय करके रखेंगे। दूसरा भाव आपके महत्वाकांक्षाओं का, आपकी उम्मीदों का भाव होता है। वहीं 5वां भाव आपके कला का, आपके लॉटरी में जीत का भाव होता है। वहीं 8वां भाव कुछ पुरानी प्रथाओं से जुड़ने का, किसी के लिए खोजबीन करने का भाव होता है। ये तीनों भाव आज आपके लिए सक्रिय रहेंगे और इसी के अनुसार आज आपको कई सारे प्रभाव देखने को मिलेंगे। सबसे पहले अगर बात करें हम आपके सेहत की, तो अपनी सेहत को मजबूत बनाने के लिए योग अभ्यास या फिर शारीरिक व्यायाम करें। इससे आपका मानसिक तनाव भी दूर होगा। आज आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और इसकी वजह से आपको थोड़ी प्रसन्नता अवश्य होगी। आज आपके घर के सदस्य न केवल आपका सम्मान करेंगे, बल्कि आपको आज उनका भरपूर सहयोग भी मिलेगा।
यदि मैं आपके प्रेम जीवन की बात करूं तो आज उसमें आप सफल रह सकते हैं। यदि आपके प्रेम जीवन में किसी तरह की कोई बाधाएं आ रही थी या हैं, तो मुमकिन है कि आज वे बाधाएं दूर हो जाएंगी। व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन जो है आपके लिए लाभदायक रहेगा। विशेष रूप से आज थोक और खुदरा व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिल सकता है। कामकाजी लोगों के लिए भी आज का दिन अच्छा है। अपनी बुद्धि और क्षमता के दम पर आज आप अच्छा प्रदर्शन करने में पूरी तरह से कामयाब होंगे। वैवाहिक जीवन की बात करें तो आज आपके जीवन साथी संग आपको कोई वाद विवाद हो सकता है, लेकिन अगर आप उस स्थिति को सही से हैंडल करेंगे तो विवाद को बढ़ने के बजाय उसी वक्त खत्म किया जा सकता है। उपाय की बात करें, किसी काले कुत्ते की देखभाल करें, प्रेम संबंधों के लिए अच्छा है। आज आपके लिए शुभ अंक है 3। शुभ रंग है आपके लिए केसरिया और पीला। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 4 स्टार। अब बात करेंगे सबसे आखिर में हम मीन राशि की। मीन राशि आपके पहले भाव में आते हैं और इसीलिए चंद्रदेव आज आपके इसी भाव को सक्रिय करेंगे। साथ साथ में रेवती का स्वामी बुध आपके चौथे और सातवें भाव को सक्रिय करके रखेंगे। पहला भाव जो होता है आपकी प्रतीक्षा का, आपकी उम्मीदों का पूरा होने का भाव होता है, जबकि चौथा भाव आपके माता पक्ष से खुशी का और पार्टनर की तरक्की का भाव होता है। वहीं सातवां भाव आपके इन-लॉज से सपोर्ट का, मतलब ससुराल पक्ष से सपोर्ट का होता है, पार्टनरशिप में गेन का भाव होता है। ये तीनों भाव आज आपके लिए सक्रिय रहेंगे और इसी के अनुसार आज आपको कई सारे प्रभाव देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आज दफ्तर जाते वक्त आपको मेरी सलाह है कि वाहन चलाते समय थोड़ी सावधानी रखें और हो सके तो आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही उपयोग करें। आज आपके पास भरपूर मात्रा में पैसा आएगा और अचानक से होने वाले लाभ जैसे कि लॉटरी, शेयर, सट्टेबाजी आदि के द्वारा आपको आर्थिक लाभ होने के प्रबल योग बनेंगे। पारिवारिक जीवन के लिए दिन जो है अच्छा बीतेगा। आज परिवार से किसी तरह की खुशखबरी आपको मिल सकती है। घर में किसी मेहमान के आगमन के योग बन रहे हैं। जो जातक प्रेम संबंधों में पड़े हैं वो आज अपने संगी को शादी के लिए प्रपोज कर सकते हैं। कारोबारियों को आज किसी ऐसे जगह से मुनाफा होने की संभावना है जिसके बारे में उन्होंने विचार करना भी बंद कर दिया था। नौकरी पेशा से जुड़े इस राशि के लोगों के लिए आज का दिन अच्छा है। वहीं जो लोग बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, जॉबलेस हैं, उन्हें भी आज कहीं से जॉब का ऑफर मिल सकता है। जिंदगी को सकारात्मक तरीके से जीने के लिए आज किसी प्रेरणादायी किताब को पढ़ना आपके अंदर गजब का बदलाव ला सकता है। वैवाहिक जीवन में जब आप अपने जीवन साथी से भावनात्मक तौर पर जुड़ते हैं तो नजदीकी जो है आपको अपने आप महसूस हो जाती है। उपाय की बात करेंगे, अच्छी सेहत के लिए पीपल में पानी दें और उसकी जड़ में दिया जलाएं, शुभ है। आज आपके लिए शुभ अंक है 9। शुभ रंग है आपके लिए लाल और मैरून। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि 26 जून का जो दिन है वो सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा। आशा करते हैं हमने जो यह जानकारी दैनिक राशिफल की आपको दी है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कोई सवाल है, सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास अपना बर्थ डिटेल्स मौजूद है तो आप प्ले स्टोर पर पहले जाएं, वहां पर जाकर एस्ट्रोसेज कुंडली नाम से हमारी ऐप है, फ्री में है वो ऐप। कोई भी पैसे चार्ज नहीं करेंगे हम उसके लिए, ना उसको कोई पैसे का आपको भुगतान करना है। उस ऐप को डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद उसमें कुंडली का फॉर्म आएगा, उसमें आपको अपने बर्थ डिटेल्स सही सही भरने हैं। बर्थ डिटेल भरने के बाद आपको आपकी जो कुंडली है वो फ्री में मिल जाएगी। उसको आप पीडीएफ के रूप में अपने फ़ोन में ही, मोबाइल फ़ोन में सेव करके रख सकते हैं, जिसका उपयोग आप जीवन भर आजीवन कर सकते हैं। तो यह जो सुविधा है ये फ्री में है, तो उसका फ्री में लाभ उठाएं, अपनी कुंडली बनाएं, राशि का पता करें और अपनी उस राशि से हमारी दैनिक राशिफल के माध्यम से हर रोज़ की जानकारी लें। यह आपके लिए लाभदायक रहेगा। आशा करते हैं हमने ये जो तमाम जानकारी दी है आपको पसंद आई होगी। कोई सवाल है, सुझाव है तो ज़रूर लिखें हमें नीचे कमेंट बॉक्स में, ताकि हम आपके उस सुझाव को अपने दैनिक राशिफल में अपना सके और उस सवाल का जवाब दे सके आपको। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ऐसा करने से आपको हमारे सभी लेटेस्ट और रोचक वीडियोस की जानकारी समय से मिल सकेगी। हम जल्द ही आपके लिए लेकर आने वाले हैं 2020 का जो है वैदिक ज्योतिष के अनुसार कैसा रहेगा आपका 2020। हम यह आपके लिए वीडियो लेकर आने वाले हैं, तो ज़रूर हमारे चैनल के साथ बने रहें। तब तक एस्ट्रो से जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।